हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि कैसे हम लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी निकालते हैं। मतलब टी अगर डिवाइड में हो रहा है तो कैसे हम फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। मैंने इसका नाम दिया है डिवीजन प्रॉपर्टी फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो डिवीजन प्रॉपर्टी फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म में होता क्या है, अगर किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी, अगर टी डिवाइड में हो रहा है तो उसका लाप्लास क्या होगा, एस टू इन्फिनिटिव एफ एस डी एस होगा। तो मैं आपके सामने बताता हूँ यहाँ पे कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। सो अभी मैंने आपके सामने बताया था कुछ क्वेश्चंस, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे जिसमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास में मैंने लॉग वाले क्वेश्चन बताए थे। तो उसका जो आंसर आता था लॉग के फंक्शन का, वो डिवाइड में टी आता है। तो अब हम उसका इनवर्स लाप्लास कैसे निकालेंगे, जैसे मैं आपके सामने बोलूँ ई की पावर माइनस फोर टी माइनस ई की पावर टू टी अपॉन टी का लाप्लास निकालना, तो कैसे हम निकालेंगे। ऐसे अगर हम बात करें कि कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, सॉरी दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस 3 टी अपॉन टी, तो मैं आपको दो एग्जांपल समझाता हूँ। और कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइंड द लाप्लास ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिस लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस 4 टी माइनस ई की पावर 2 टी निकालेंगे। सो दिस इज एस प्लस 4 अपॉन 1 माइनस एस माइनस 2, देन लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस फोर टी अपॉन ई की पावर टू टी अपॉन टी, जब टी डिवाइड होता है तो ये आता है एस टू इन्फिनिटिव वन अपॉन एस प्लस फोर अपॉन एस माइनस टू डी एस, देन इसकी वैल्यू आएगी लॉग एस प्लस फोर माइनस लॉग एस माइनस टू एस टू इन्फिनिटिव लॉग ए माइनस बी होता है यहाँ पे लॉग एस प्लस फोर अपॉन एस माइनस टू एस टू इन्फिनिटिव, जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये आएगा जीरो माइनस एस प्लस फोर अपॉन एस माइनस टू, देन ये माइनस अंदर जाएगा तो इसका आंसर आएगा एस माइनस टू अपॉन एस प्लस फोर। सो इस तरह से हम इसका क्या करते हैं, लाप्लास इनवर्स निकालते हैं, मैं आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। इस स्टेप से इसको देखिए आप, सबसे पहले हम किसका लाप्लास निकालेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम निकालेंगे 1 माइनस कॉस 3 टी, तो 1 का लाप्लास 1 अपॉन एस होता है और इसका होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, देन लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 3 टी अपॉन टी, तो यहाँ क्या करेंगे हम एस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी एस, है ना। और वन अपॉन एस का जो लाप्लास होता है वो होता है इंटीग्रेशन होता है लॉग एस, और इसका आएगा 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 9 एस टू इन्फिनिटी, है ना। यहाँ पे 1/2 बाहर निकालेंगे हम, सो 1/2 बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 9 एस टू इन, ये 1/2 बाहर निकालेंगे तो ये 2 ही आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो एस स्क्वायर हो जाएगा। लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है लॉग एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का, देन यहाँ पे आता है ये आपके सामने एस टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये आएगा 0 माइनस लॉग एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास लॉग एस स्क्वायर अपॉन 9 अपॉन एस स्क्वायर पावर 1/2। तो ये आपके पास वैल्यू आई लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 3 टी अपॉन टी की। अब आपसे पूछ रहे हैं कि 0 टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू निकालो, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करके समझा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला खोलेंगे तो 0 टू इन्फिनिटिव ई की पावर माइनस एस टी 1 माइनस कॉस 3 टी अपॉन टी इंटू डी टी की जो आपके पास वैल्यू आई वो आई 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एस स्क्वायर, राइट। सो आपको अगर ये पूछा जाए, मैं थोड़ा सा इस इंटीग्रेशन में आपसे पूछ लेता हूँ कि आपसे इसकी वैल्यू पूछी जाए कि e की पावर माइनस टी 0 टू इन्फिनिटी, तो आपको इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, जहाँ पर भी एस हम आगे कितना रखेंगे, पुट एस इज इक्वल टू कितना रखेंगे 1, तो ये आएगा आपके पास 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी 1 माइनस कॉस 3 टी अपॉन टी डी टी, जहाँ पर एस है 1 रखेंगे तो कितना आएगा ये लॉग 1 प्लस 9 अपॉन 1, सो आंसर इज 1/2 लॉग 10। सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको समझाया कि कैसे हम डिवीजन प्रॉपर्टी को यूज करके उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए आप कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन में डिवीजन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। सो और यहाँ पे कुछ अप्लाइड क्वेश्चन है कि डिवीजन प्रॉपर्टी से कैसे हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गेट और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना, जैम में पूछे जाते हैं। सो देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे हम लाप्लास ऑफ, सबसे पहले साइन टी अपॉन टी, सबसे पहले साइन टी का लाप्लास निकालेंगे। सो दिस इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, देन लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी, तो यहाँ पे क्या होगा ये
एस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन डी ए, तो हम जानते हैं इसका वैल्यू होता है टेन इनवर्स एस एस टू इन्फिनिटिव, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटिव माइनस टेन इनवर्स एस, और वी नो दैट इन्फिनिटी की वैल्यू होती है पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आता है ये कॉट इनवर्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी से होगा, टेन इन कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा, कॉट इनवर्स एस को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन अपॉन एस। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी की वैल्यू ये प्रूव होती है, राइट। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी है, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस क्या होता है कॉट इनवर्स एस आता है, कॉट इनवर्स एस को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन बाय एस। नाउ अब आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला खोलेंगे जीरो टू इन्फिनिटिव e की पावर माइनस एस टी साइन टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे ये टेन इनवर्स वन अपॉन एस। अब आपको फर्स्ट में यहाँ पे क्या चाहिए, e की पावर माइनस एस टी नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे पुट s इज इक्वल टू जीरो, और जैसे ही s को जीरो रखेंगे तो ये आएगा जीरो टू इन्फिनिटिव साइन टी अपॉन टी डी टी, और जैसे ही s को जीरो रखेंगे तो ये आएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटिव, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है पाई बाय टू। नाउ अगर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पे सेकंड में प्रूव करना है e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे जो s है उसकी जगह कितना रखेंगे वन रखेंगे, तो जैसे हम क्या करेंगे पुट s इज इक्वल टू वन, तो s की जगह वन रखने पर क्या आएगा यहाँ पे ये जीरो टू इन्फिनिटिव e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी डी टी, बेटा जहाँ पर भी s है वहाँ वन रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स वन, और वी नो दैट टेन इनवर्स वन इज पाई बाय फोर। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। नाउ मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम डिवीजन प्रॉपर्टी को इनवर्स ट्रिग्नोमेट मतलब इनवर्स लाप्लास में यूज करते हैं, मतलब वहां पे हम एस से डिवाइड करेंगे तो कैसे उसका हम इनवर्स लाप्लास निकालेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि अगर एस डिवाइड होता है तो उसका हम इनवर्स लाप्लास कैसे निकालते हैं, मतलब इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस लाप्लास इनवर्स ऑफ या इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस अपॉन एस, है ना। तो यहाँ पे मैं आप बात करूँ कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस अपॉन एस ये आएगा आपके पास जीरो टू टी एफ टी डी टी। सो इस तरह से हम इसका निकालते हैं, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर, या आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस वन, ये ले लीजिए आप, है ना। चलो मैं इसको एस स्क्वायर ले लेता हूँ, ये एस स्क्वायर इंटू या एस क्यूब ले लो, आई थिंक इट्स बेटर, एस क्यूब इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर, है ना। तीन बार एस डिवाइड हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर लेंगे, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्यूशन में देख रहे हैं हम, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी साइन टू टी अपॉन टू, दैन लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर, तो ये आएगा वन बाई टू जीरो से टू साइन टू टी अपॉन टू डी टी, एंड देन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास, सॉरी वन बाई टू आगे नहीं आएगा, है ना। सो वन बाई टू, है ना, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस टू टी अपॉन टू जीरो से टी, एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा वन बाय फोर वन माइनस कॉस टू टी। अब बात करते हैं एक और बार, अगर एस से डिवाइड हो रहा है तो ये आएगा एस एस स्क्वायर प्लस फोर, तो हम क्या करेंगे इसका एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे, सो जीरो से टी वन माइनस कॉस टू टी, है ना। अच्छा ये वन बाय टू था, सो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे, सो वन बाय फोर टी माइनस साइन टू टी अपॉन टू लिमिट जीरो से टी, सो यहाँ लिमिट लगेगी तो ये आएगा वन बाय फोर टी माइनस साइन टू टी अपॉन टू, और जीरो पे तो जीरो हो जाएगा। फिर अगर एक और बार एस डिवाइड हो रहा तो यहाँ क्या करेंगे, वापस हम क्या करेंगे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा, मतलब जितनी बार आ रहा है उतनी बार आपको क्या करना पड़ेगा टी माइनस साइन टू टी, सॉरी यहाँ टू आ जाएगा, टू कॉमन निकाल दिया ना, इंटू डी टी, फिर इसका इंटीग्रेशन को वापस इसका आंसर आ जाएगा। तो जितनी बार एस डिवाइड होगा उतनी बार इसका क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन, ये आप करना आगे, है ना। मैं आपको एक और समझाता हूँ क्वेश्चन, सो सॉल्यूशन में देखिए आप लोग यहाँ पे वन अपॉन एस प्लस वन का लाप्लास कितना होता है ई की पावर माइनस टी, देन अगर यहाँ पे एक बार एस से डिवाइड हो रहा है तो क्या आएगा एस इंटू एस प्लस वन जीरो से टी ई की पावर माइनस टी डी टी, देन ये आएगा ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन जीरो से टी, सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आएगा
वन माइनस ई की पावर माइनस टी, दिस इज लाप्लास इनवर्स ऑफ एस इंटू एस प्लस वन। एक और बार डिवाइड करेंगे हम तो एस स्क्वायर इंटू एस प्लस वन, तो ये आएगा आपके पास जीरो से टी वन माइनस ई की पावर माइनस टी इंटू डी, है ना। ये आएगा टी माइनस प्लस ई की पावर माइनस टी जीरो से टी, एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा टी प्लस ई की पावर टी माइनस वन। सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और कोई भी अगर डाउट आता है या मैं कोई पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर आपको लगता है कि सर ये वाला टॉपिक रह गया, तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस पर भी एक दो वीडियोज़ उस पर भी लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।